हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में किन्नरों द्वारा एक व्यक्ति को बेहोश कर उसका गुप्तांग काटने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दो किन्नर और एक पूर्व प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को उपचार के जिला अस्पताल भेज दिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहा थाना क्षेत्र का है। 17 फरवरी को जब हीना नाम की किन्नर ने खाना बनाने के बहाने उसे अपने ड्राइवर पूर्व प्रधान समसु के घर बुला लिया, तभी पीड़ित को चाय परोसी गई, लेकिन बबलू को नहीं पता था कि जो चाय वो पी रहा है उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ है। चाय पीने के बाद पीड़ित बबलू बेहोश हो गया। अगले दिन जब बबलू को होश आया तो उसने देखा कि उसका गुप्तांग कटा हुआ है और वो किसी घर में कैद है। मैं वहाँ पे पहुँचे, मुझे चाय पिलाई थी। चाय पिलाने के बाद में मुझे होश नहीं था क्या हुआ, मुझे 24 घंटे होश आया तो मैंने देखा मेरा अंग भंग कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे बेल्ट पे मारा, भूखा प्यास में रखा और मेरे बाल काटे जो है। फिर अलजे बारात लेने के ले गए तो मैं वहाँ से भाग के निकले तो मेरे पीछे आदमी लगे थे मारने के लिए, फिर मुझे पब्लिक ने मुझे बचाया। कब का मामला है ये? मुझे 17 तारीख को ले गए थे और कल में भागे आए हैं रात को। पीड़ित बबलू का आरोप है कि हीना, पिंकी और पूर्व प्रधान ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, उसे भूखा भी रखा और उसका गुप्तांग भी काट दिया। जैसे तैसे पीड़ित उस कैद से आजाद होकर पुलिस के पास पहुंचा और सारी घटना पुलिस को बताई। ये दिनांक 17/2020 को की घटना है। बबलू गोस्वामी अहिरपाड़ा का रहने वाला था, जो किन्नर पिंकी और हिना और शमशु प्रधान के साथ जो है ढोलक बजाता था। ये इनके साथ गया और उसको चाय में कुछ पिला के बेहोश कर दिया गया और इसका प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, जिसके संबंध में खुर्जा देहात में मुकदमा कायम हो चुका है 42/20 क्राइम नंबर, और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अगर पुलिस की माने तो खुर्जा क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह का कहना है कि खुर्जा के मोहल्ला अहिरपाड़ा का रहने वाला बबलू किन्नरों के साथ ढोलक बजाने का काम करता था। पुलिस ने तत्काल पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले को गंभीरता से लेकर पीड़ित की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 News। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।